हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको कि लोग काफ़ी हद तक इग्नोर कर रहे हैं, लोगों का उसमें ध्यान नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। शायद अभी बहुत कुछ चल रहा है, यू नो, फार्मर प्रोटेस्ट एंड ऑल, शायद इसलिए भी होगा। और बहुत सारे तो ये एक्चुअली ना ये मैटर ये बच्चों का मैटर है, तो इसलिए बच्चों का मैटर में क्या होता है, बच्चे खुल के बोल नहीं पाते अपने प्रॉब्लम्स जो है, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मतलब हो रहा है उतना नहीं पता रहता है। और मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं अभी बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, लॉकडाउन से शुरू किया है। तो मैं जितना देखा हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि मतलब बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बच्चा जैसे कि एक होता ना कि एक एवरेज बच्चा होता है, एक थोड़ा सा स्मार्ट होता है, जिसका ब्रेन शार्प होता है। तो मेरे पास ऐसे कई बच्चे जिनका ब्रेन बहुत ही शार्प है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है और जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, उनका मतलब पढ़ाई में मुझे बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज होता ना, एकदम गिर गया वो दिखाई दिया है। और इसके वजह से मेरे को तो भाई बहुत चिंता होता है, मतलब उन लोग का एग्जाम होता है तो मुझे डर लगता है। तो इसके वजह से मैं सोच रहा था कि कई दिनों से सोच रहा था कि इस चीज़ को जो है मैं कवर कर लूँ, लेकिन ये एक अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, यू नो, मैं उनका पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता है फेस रिवील करने के लिए, और अगर मैं उनका आइडेंटिटी रिवील कर देता हूँ तो इसमें बहुत सारा फैक्टर आता है। एक तो एक बता दो फैक्ट, मेरे जितने भी बच्चे सब नाम चीन स्कूल के बच्चे हैं, लाइक एक गुडविल होता है ना, एक गुडविल बेंच मार्क सेट किए होते हैं उन उस तरह के लेवल के स्कूल के बच्चे हैं, तो आप लोग खुद ही अनुमान लगा लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें किसी स्कूल का नाम लूंगा तो उस स्कूल का गुडविल हैम्पर हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और वीडियो में मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि स्कूल का नाम हैम्पर हो जाए या फिर उसका नाम अच्छा हो जाए, तो प्रमोशन में नहीं है और खराबी भी नहीं। यहाँ पे बस हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग की, और स्टूडेंट्स का जो शिकायत है उसको मैं सामने लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा हटके होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट बच्चे हैं, तो मैं अब उनका पेरेंट्स से परमिशन ले नहीं सकता, और परमिशन लेता भी हूँ तो उनका जो वो खुल के नहीं बोल पाएंगे ना भाई। अगर मैं उनको सीधा बोल दूंगा कैमरा में फेस दिखा के बात करो, तो देखिए बच्चे हैं, टीचर है, शिकायत करेगा डंडा पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। और स्कूल का नाम ले नहीं सकते, और अगर बच्चे का फेस रिवील होगा तो स्कूल रिवील हो जाएगा, स्कूल रिवील हो गया तो बात दूसरे जगह पहुंच जाएगा। तो मैं चाहता ही नहीं कि वो एकदम ये पलायन करा जाए ना दूसरे जगह, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा हटके है। इसमें मैं कोई विजुअल कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने बच्चों का वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा चेंज किया है, पिच मैं जरूर चेंज करूंगा ताकि वो पकड़ में नहीं आए कौन बच्चा है ना। आइडेंटिटी एकदम मैंने गुप्त रखी है, प्राइवेट रखी है, और ये इसलिए रखे ताकि बच्चे लोग अपना जो दिल का जो जितना भी मतलब एक शिकायत होता है जो वो नहीं कर पा रहा वो कर सके। तो आप देख रहे होंगे मैं भी बच्चा हूँ, हाँ, मतलब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट होने का ना तो दूसरे स्टूडेंट का दुख समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैंने ये भाव लिया था बच्चों में, मतलब बहुत समय से एक ग्लिच, यू कैन से ग्लिच आ रहा था, ग्लिच, कन्फ्यूज हो रहे थे टॉपर से टॉपर बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका कभी 90 से नीचे रैंक ही मार्क्स ही नहीं आया, वो बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे। वो बच्चे मुझे आके बोल रहे कि सर, मतलब पेज लिटरली पेज पलटा के, हिस्ट्री का पूरा बुक पलटा के दिखा रहे कि सर इतना चैप्टर हो गया है लेकिन अपने को कुछ समझ में ही नहीं आया, स्टोरी ही समझ में नहीं आया, तो क्या रट के चला जाए बस। सो दैट्स द थिंग, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि लोगों का जो है थोड़ा बहुत भी अटेंशन ग्रैब कर सकूं, एटलीस्ट टीचर की नहीं तो कम से कम पेरेंट्स की तो ग्रैब कर ही लूं। यू नो, मोटिव वही है, मैं ना ही कुछ जजमेंट पास कर रहा हूं, ना ही कुछ कर रहा हूं, एकदम रॉ इन्फॉर्मेशन है, रॉ डेटा है, इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है तुम क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि मैम जैसे अभी ये चैप्टर पढ़ा रही है ना, तो उस चैप्टर का बस जैसे आधा पढ़ाएगी या फिर हाफ से भी कम पढ़ाएगी या फिर हाफ पढ़ाएगी उसका, फिर कल अगर कल तो सेम पढ़ाने चाहिए ना, वो नहीं पढ़ेगी, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ने लग जाएगी, मतलब खाली आधा करके छोड़ देगा। हाँ, उसके बाद फिर जो कल पढ़ेगी ना उसे आधा छोड़ देगी और जो यस्टरडे पढ़ाया था वो पढ़ने लग जाएगी। अच्छा, मतलब पहले एक दिन में एक चैप्टर शुरू करेगी, आधा में छोड़ देगी, दूसरा दिन में दूसरा चैप्टर शुरू करेगी, आधा में छोड़ देगी, तीसरा दिन जो फर्स्ट दिन में जो शुरू किया था उसको फिर कंप्लीट करेगी। तो इसमें तो तुम लोगों को तो क्या समझ जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा दिमाग में, और नोट्स वगैरह मिल रहे हैं।
नहीं मिल रहा नोट्स, कुछ नोट्स नहीं मिल रहा है, बस जो अभी सर एक नया आया है बस उसने दिया है। तो पुराने वाले कुछ नहीं दे रहे हैं? नहीं। एग्जाम्स का कैसे हो रहा है, एग्जाम का पेपर क्या पैटर्न है, कहाँ से दे रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से दे रहा है, बुक से दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? बुक से तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, बुक से भी क्वेश्चन नहीं, कोई टीचर ने आधा पढ़ाया उसके बाद फिर वो पढ़ा दूसरा चैप्टर पढ़ाया फिर उसी चैप्टर पढ़ाया तो हम लोग टेस्ट में क्या लिखेंगे, गूगल ही तो पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, मतलब स्टूडेंट लोग मैक्सिमम गूगल कर रहे हैं, सारे लोग गूगल कर रहे हैं, सारे लोग गूगल कर रहे हैं, तो अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होने नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए था नहीं। तो क्या होना चाहिए, फिजिकल क्लास? हाँ कोरोना हो रहा है तो फिर देखो हमारे हमारे उसमें हमारे जो स्कूल में है ना एक क्लास में बस 14 स्टूडेंट है तो 14 स्टूडेंट को तो पढ़ा ही सकते एक साथ, ये बात भी पॉइंट है ना, एक बड़ा सा हॉल में तो पढ़ा ही सकते 14 से। और दूसरी बात ये है कि तुम लोग अभी जो टेस्ट भी चल रहा है तो तुमको सुबह सुबह मिल रहा है ना सिलेबस, टाइम टेबल बहुत पहले मिल गया था, एक महीना पहले टाइम टेबल मिल गया, लेकिन जो सिलेबस है वो तुमका जिस दिन एग्जाम है उस दिन का सुबह को मिल रहा है, सिलेबस ये है नहीं, जिस दिन जैसे जैसे आज एग्जाम है ना, यस्टरडे को मतलब जैसे कितने बजे जैसे, अच्छा एक दिन पहले मिल रहा है? नहीं एक दिन पहले भी नहीं, रात के 9-10 बजे मिल रहा है कि कल सुबह का ये एग्जाम है। और ये जूम का जो क्लास हो रहा है, जो नौटंकी चल रहा है जूम का, ये वो ऑन करो फोन, इसमें कितना सच्चा है कि ये खुद को बेवकूफ बना रहा है या क्या हो रहा है, कितना सच्चा ऐसा है कि मतलब एक होता है ना एक्यूरेसी, जूम में क्या होता है तुम लोग एक एक फोन में क्वेश्चन पेपर आता है, एक में वीडियो ऑन होता है और टीचर वहां से देख रहा होता है, राइट, तुम लोग पे नजर रख रहा होता है कि तुम लोग कहीं चीटिंग ना कर रहा हो। हाँ। तो ये सक्सेसफुल हो रहा है टीचर उधर से कि ये चीटिंग नहीं कर रहे बच्चा लोग? नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चा तो चीटिंग कर ही रहे हैं। टॉपिक रहेगा ऑनलाइन क्लास जो कि अभी चल रहा है, राइट, तो ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम लोग को क्या लगता है, तेरे को क्या लगता है कि क्या हो रहा है ऑनलाइन क्लास में, सही है गलत है क्या है? ऑनलाइन क्लास एक अच्छा तरीका भी है और गलत तरीका भी है। हाँ, अच्छा तरीका कैसे? दो पॉइंट बोल। हाँ, अच्छा तरीका ऐसे है क्योंकि जहाँ पे हम लोग कुछ भी चाहे तो कर सकते, वेट देर इज अल देर इज अल हम लोग कहते हैं। हाँ। तो इसमें हम लोग जब कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो इसमें हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में पढ़ पा रहे हैं कैसे? हाँ। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। अच्छा तू बोल रहा है कि जब कोविड चल रहा था तो स्कूल में नहीं जा रहा था तो ऑनलाइन के जरिए हम लोग पढ़ पा रहे हैं, अच्छा ये चल ठीक है। ये दूसरा नेगेटिव दो पॉइंट बता। नेगेटिव ये है कि ऑनलाइन क्लासेस का नाम लेके बच्चे लोग कहाँ कहाँ चल जाते, मोबाइल लेके बोलते नेट नहीं पकड़ रहा है, वहाँ जाके गेम खेलने लग जाते हैं, गेम खेलने लग जाता है, नहीं तो क्या क्या करते रहते मोबाइल में। तेरे हिसाब से क्या, जल्दी बोल। जो पढ़ा को पॉजिटिव पॉइंट क्या बोल रहे, जो पढ़ा को बच्चा है उसको तो समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे, कहाँ पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे, ठीक है। अब जो जिसका दिमाग कम चलता हो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आता है दिमाग, समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ा रहे पूरा, फिर वो एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम, एक नेट का प्रॉब्लम। हाँ। तो कभी कभी उबड़ खाबड़ हो जाता है नेट। हाँ, तो और समझ में नहीं आता है। हाँ, एक तो पहले से समझ में नहीं आता था, ऊपर से और समझ में नहीं आ रहा है। एज इन कंपेयर अगर फिजिकल क्लास होता तो एकदम क्या बिंदास बता देता, अब पूछ लेते हैं वहीं पे। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास नहीं पूछ सक रहा है, ऑनलाइन क्लास नहीं पूछ सक रहा है, नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं डिस्टर्ब होता है कभी, फायदा नहीं नजर आ रहा मुझे। तुमको कुछ फायदा नहीं, एक भी फायदा नजर में नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट क्या है यार, चल चार बता दो। हाँ, जब तुमको दो फायदा नहीं समझ तो चार नेगेटिव बता दो। मतलब एक तो ऑनलाइन क्लास में फिजिकल करते तो और भी अच्छा था, ऑनलाइन क्लास में ना ही हम पूछ पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं। क्यों पूछ क्यों नहीं पा रहे? मतलब पूछने से भी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी लेट का आंसर आता है, मरना कुछ क्या हो जाता है, तो हम पूछ नहीं पा रहे, फिजिकल क्लास होता तो और भी अच्छा होता। और दूसरा पॉइंट, और दूसरा जैसे इसने बोला कि टॉपर लोगों को तो समझ आ जाता है, ठीक है, ये एवरेज बंदा है सबको पता है, तुम तो थर्ड टॉपर हो इससे, तो इसका मुकाबला में तुमको तो सब समझ में आना चाहिए, आ रहा है कुछ समझ में? मतलब समझ में आता है पर जैसे फिजिकल क्लास में समझ में आता वैसे नहीं आ रहा है, मतलब जैसे फिजिकल क्लास में समझ आ रहा था उस तरह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, और जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले भी एक स्टूडेंट का मैंने पूछा था तो उसने मुझे ये शिकायत किया कि ऑनलाइन क्लास में जो है बोला था क्या हो रहा है कि एक टीचर एक क्लास करा रहा है, ठीक है, एक चैप्टर करा रहा है, आज मैंने एक चैप्टर कराया, वो चैप्टर कराते कराते टाइम ऑफ हो गया तो मैंने आधा में छोड़ दिया उस चैप्टर को, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट डे मैं वो चैप्टर नहीं करा रहा हूँ बल्कि मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा होता है। और तीसरा दिन में फिर वो जो छूट गया था वो चैप्टर करा रहा हूँ। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि एक चैप्टर पढ़ा रहे उसका आधा कम्प्लीट नहीं हुआ
तो और दूसरे दिन में अगर टीचर को पता नहीं क्या हो जाता है तो क्वेश्चन आंसर दे दे जाते या टेस्ट कराना शुरू करते या टेस्ट बोल देते और वो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होता है। कंप्लीट होता भी है तो हमारा डाउट कंप्लीट नहीं होता, जो हमारा डाउट होता है वो हम पूछ नहीं पाते। अच्छा, वो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता और टाइम होता है कभी टीचर रिप्लाई नहीं करते, कभी क्या हो जाता है, तो वो डाउट वैसे का वैसे ही रह जाता है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा क्या फील आ रहा है कि मतलब क्या टीचर लोग जानबूझ के कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, वो लोग मजे ले रहे हैं क्या कर रहे हैं? कोई क्या बोलते हैं, हम लोग का ऊपर बहुत लोड आ गया तो टीचर लोग आराम से बैठ के गूगल से निकाल के पीपीटी दे देते हम लोग को, गूगल से निकाल के प्लेटफॉर्म से निकाल के कुछ भी दे देते क्वेश्चन आंसर हम लोग को, 50 क्वेश्चन क्वेश्चन बुक से नहीं होता है, नहीं बुक से नहीं होता है, होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत देते हैं। तो एक बात समझते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का कल एग्जाम है ठीक है, चैप्टर बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिज्म जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, तो अब एज अ स्टूडेंट तुम लोग तो अब बुक का क्वेश्चन से पढ़ोगे क्योंकि बचपन से वही करते आ रहे हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, बुक का क्वेश्चन से आता है? मतलब टीचर बोलती है कि तुम लोग अपना भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, बोलती है अपना क्वेश्चन से लिख सकते हो, मतलब आंसर मतलब अपना आंसर वर्ड्स वरना आंसर लिख सकते हो, पर जब हम लोग वो करते हैं टीचर उसमें बहुत सारा मिस्टेक निकालते कि ये सही नहीं है कि ये सही नहीं, टीचर को बोलना चाहिए कि क्या तो मेरा आंसर लिखो क्या तो पूरा एक अपना ही आंसर लिखो। अच्छा, टीचर आंसर देती है, टीचर आंसर देती है, पर टीचर बोलती है कि उसमें अपना भी ऐड, अपना ऐड करो, खुद से खुद आंसर बनाओ, पर जब हम अपना ऐड करते टीचर और हमारा मिलाते तो टीचर पूरा आंसर रॉन्ग कर देती है, पूरा रॉन्ग कर देती है टीचर। देखो इसमें मेरा क्या कहना ना, इफ टीचर इज लेटिंग यू टू यू नो शो योर क्रिएटिविटी और जो भी तुम्हारा जितना तरफ से तुम्हारा इनपुट है वो सही बात है क्योंकि तुमको भी एक आदत होता है, लेकिन ये गलत बात है कि पूरा आंसर ही रॉन्ग कर देना। हाँ। है ना, कुछ रॉन्ग करो, थोड़ा सा रॉन्ग करो, बोलो क्वालिटी नहीं है, वर्ड नहीं है, हाँ। हमें समझाना चाहिए किस तरह से आंसर लिखना है, मतलब ऐसा क्या तेरा मन में होता है ना कि मतलब बताना होता है टीचर को जो तू बता नहीं पा रहा है, जैसे घर से तो समझेगा नहीं, घर से तो पेरेंट्स से लगता है कि मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पढ़ रहे हैं, पर जब रिजल्ट आता है तब तो क्लास जा रहा है, तो तेरे को क्या शिकायत है? मेरे को ये शिकायत है कि एक दिन में हम लोग करीब 7 क्लास रेगुलर होता है। हाँ। 7 क्लास रेगुलर होता है तो हर सब्जेक्ट का टीचर होमवर्क देते है और कभी कभी हर सब्जेक्ट का टीचर होमवर्क देते हैं तो फिर क्या बोलते हैं उसमें भी एक तो हम लोग सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक बैठे रहते हैं मोबाइल में, फिर उसके बाद 1 बजे से होमवर्क करने में उनको 2-3 घंटा लग जाता है वो भी मोबाइल में, फिर रात में भी होमवर्क करेंगे तो फिर रात में मोबाइल में, तो दिन भर में तो हम बस मोबाइल ही में रहते हैं। रिजल्ट में मुझे एक चीज है क्योंकि स्कूल में जब होता था तब तो हमें पता चलता था कि ये 5 मार्क्स इसका एक्स्ट्रा है, 5 मार्क्स इसका एक्स्ट्रा है, अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा कि किसमें हमारा मार्क्स कट रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमने जो एग्जाम दिया उसमें तो हमारा 1-2 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होने चाहिए, पर उस हमारे हिसाब से कुछ ज्यादा ही रॉन्ग हो रहा है, तो वो टीचर बताती नहीं है कि तुम लोग का इसमें मार्क्स कट रहे हैं या उसमें मार्क्स कट रहे हैं। जैसे देख अभी तुम्हें को स्कूल से दे दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, आंसर शीट दे दिया गया है, टाइम अलॉट कर दिया है कि तुमको मतलब कोई ये नहीं कि 4 घंटा 2 घंटा में करना है, तुमको इतना ज्यादा टाइम दे दिया गया है, तो इसमें तुमको कौन बेवकूफ नजर आ रहा है? क्या टीचर इतना समझदार है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो घर में क्वेश्चन पेपर लेके जा रहा है, आंसर शीट लेके जा रहा है और ऊपर से 5-6 दिन का टाइम दे दिया तुमको एक करने के लिए, तो इसमें क्या है ये, मतलब चल क्या रहा है ये, मजाक चल रहा है, क्या करते हैं? टीचर बेवकूफ है। तो अगर टीचर बेवकूफ है तो वो लोग पता कैसे चलेगा कि बच्चा कभी कब खोला ये फाइल, कब देखा, कब क्या किया, कब क्या, उसको पता ही नहीं है, हम लोग कुछ भी करे भाई इसमें आंसर लिख ले, क्या लिख ले, तो वो लोग फिर स्टार्टिंग में देते नहीं, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि अब एग्जाम चल रहा है ना, आंसर शीट क्वेश्चन शीट सब दे दिया, एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे फोन रखा है, ऐसे करके दिखाना बोलना चाहिए था ना पहले आंसर शीट लेंगे कि नहीं है, वैसे करके पूछते तो नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो टीचर को भी पता है कि तुम लोग जैसे चीटिंग कर लोगे। हाँ। जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हारा जो दे दिया भाई। नहीं, तुम्हारा जो एग्जाम होता है कॉमेडी वाला चीज देखिए, इधर पे तुम्हारा एग्जाम होता है ठीक है, ये पेपर सबमिट, आज तो पेपर है ये, आज तो सबमिट नहीं होगा, ये नहीं एकदम एंड में सबमिट होगा। हाँ। तो वो फिर जब हम लोग का एग्जाम होता है तो उसके 1-2 दिन बाद सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, तो तू तो फिर वो भी कर सकता है, टीचर के सामने ढोंग करके लिखने का और बाद में लिखता है ना आराम से आंसर, वैसे भी कर सकते हैं हम, है ना, और टीचर से चेक करना है। तो इसमें तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरफ से मजबूर है ना, टीचर भी मजबूर है, क्या कर सकता है, अब स्टूडेंट लोग तो और चंडाल होता है ना, अब कोई कोई होता है ऑनेस्ट बच्चा, ऑनेस्ट होता है, कोई कोई, अब कोई नहीं है, लाखों में ना, करोड़ों में एक,
कोई तो होगा नहीं है तो जब से ये ऑनलाइन हुआ है आप एज अ ह्यूमन बींग सोचो ठीक है नॉट एज अ स्टूडेंट नो द स्टूडेंट है एज अ टीचर भी मत सोचो एज अ ह्यूमन बींग सोचो कि तब से ये ऑनलाइन हुआ है तुम लोग क्या ला रहा है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है इसका फ्यूचर में क्या होगा इनडायरेक्टिव क्लास होता है जैसे मीट में होता है जूम में होता है हम लोग का टीम से तो वो भी नहीं होता है टीचर हम लोग टीचर को देख सकते है इतना छोटा सा बॉक्स में टीचर हम लोग को नहीं देख सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है तो देख नहीं सकता है तो क्वेश्चन वाइज पे सर से इंटरैक्टिव बात भी नहीं हो पाती है। हाँ, तो और एक बात ये है समझने वाला कि अभी तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है जैसे ये बंदा अपने सामने स्कूल से सब कुछ दे दिया ये अपना ट्यूशन में बैठ के आराम से आंसर लिख रहा है ना उस तरह से तुम लोग का भी जब एग्जाम होता है तो कोई गूगल खोल लेता है साइड फोन से घर में एक ही फोन तो नहीं है ना और टीचर सारा फोन तो जब नहीं कर सकता है गूगल खोल के करता है कोई कहाँ से करता है तो अभी तक जितना भी अभी तक कितना महीना हो गया तुमको स्कूल नहीं गया हुआ 8-10 महीना हो गया 8-10 महीने में तुमने खाली गूगल से किया है मैक्सिमम ठीक है ना तुमने किया नहीं किया पता नहीं मैक्सिमम किया मैं खुद किया हूँ ठीक है गूगल से किया तो अब तुम समझो कि ये तो हो रहा है क्लास तुम जैसे 6 में हो 7 में हो ठीक है अब जब फरवरी में वैक्सीन आ गया है फरवरी में जब क्लास में बैठा के एग्जाम कराएगा तब क्या होगा बताओ इतना साल से तो तुमने गूगल से किए एनुअल एग्जाम में तो सारा आता है पूरा बुक आता है तो सब लोग तब फेल हो जाएगा सब लोग क्योंकि टीचर तो टीचर को लग रहा है कि अपने हिसाब से मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो तो स्टूडेंट की गलती है ना वो नहीं पढ़ रहे तो टीचर क्या कर सकते हैं उसमें टीचर घर जाके तो नहीं बोल सकते ना तुम ये चैप्टर पढ़ो स्कूल खुलने वाला है बोल के टीचर तो नहीं बोल सकते है ना गूगल दिन भर करते रहते हैं तो गूगल में तो पता चल ही जाता है जिसको आता है तो आगे डिस्कवर पेज में वो देख के भी जो लोग गूगल कर रहे हो वो उसका तो कुछ भी नहीं कह सकते अब जो बेसी ओवरस्मार्ट करके नहीं मैं सब कुछ याद कर लूंगा बोल के लास्ट में करेगा तो होगा जो होगा एग्जाम है ना अब एग्जाम तो कैसे देगा एग्जाम ही गूगल से होता है ठीक है चल बाय बाय ओके तो जैसे कि आप लोग ने बच्चों को सुना कि वो किस तरह से अपना जो बातें हैं वो सामने रख रहे हैं वो भी इस बिना पे कि वो लोग का तो फेस रिवील नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए तो मेरा यही मानना है मेरा यही सोचना है कि यू नो एज अ ट्यूशन टीचर आई कैन गाइड देम आई कैन सपोर्ट देम ओनली दिस मच इसके अलावा हमारा हाथ में कुछ नहीं होता है वी कैन नॉट डिक्टेट देम द क्वेश्चन आंसर्स वी कैन नॉट डिक्टेट देम ऑल दी चैप्टर्स क्योंकि स्कूल का काम होता है स्कूल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ट्यूशन टीचर का और स्कूल का डिफरेंसेस फुल स्टेडियम एंड ट्यूशन इज लाइक आपका घर का गार्डन ठीक है तो इस तरह से समझे इस चीज़ को तो मैं ये कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ट्यूशन टीचर ये कोई मेरा वर्ड को इस तरह से मत लेना ठीक है किसी का ऐसा गलत मत लेना बस मेरा ये मानना है ये मैं आप पेरेंट्स तक पहुँचाना चाह रहा हूँ या फिर जो टीचर उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट डालिए अपने बच्चों को उनको समझिए उनका प्रॉब्लम समझिए थोड़ा सा जो टीचर भी है थोड़ा इंटरेक्टिव होने का ट्राई कीजिए जितना हो सके अब ऑनलाइन का टाइम है उतना डांटिए मत स्टूडेंट पहले से डरा हुआ आपको क्वेश्चन करने के लिए और कुछ स्टूडेंट तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि टीचर कैन सी देम बट दे कैन नॉट सी द टीचर ओनली बताओ और जब तक ये फेस टू फेस होता नहीं तब तक इंटरेक्शन जब तक होगा नहीं सही से तब तक कोई डाउट नहीं पूछ सकता है और हाँ ये मैं मानता हूँ कि कई टीचरों को ये मुश्किल हो रहा है कैमरा में फेस करना क्योंकि ये मुश्किल होता है मुझे खुद पता है कैमरा में फेस करके इस तरह से बात करना बहुत मुश्किल होता है पॉइंट रखना बहुत मुश्किल होता है फिर भी भाई बच्चे अपने बच्चे हैं है ना कुछ वो है नहीं अपना कोई परफॉर्मेंस देना नहीं है तो खुल के बात कीजिए अपने बच्चों से
बताइए, शेयर कीजिए उनको, उनको सही टाइम पे नोट्स दीजिए, उनको सही टाइम पे चैप्टर पढ़ाइए, और जितना जल्दी हो सके स्कूल खुल जाए तो बेहतर है, बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टेरिबली रॉन्ग व्हाट आई फील. मैं देख रहा हूँ कि नॉलेज होने वाला है. तो यही बात है, आज का वीडियो यहीं तक, दी एंड. थैंक यू.